सीआरपीएफ और जिला पुलिस की छापेमारी अभियान में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। घाघरा थाना में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है। घाघरा थाने में प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना प्रभारी प्रदीप प्रणय एसआई अभिनव कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुरुवार को बताया कि प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी के उग्रवादियों द्वारा घाघरा थाना क्षेत्र के तेंदाल डूमर पाट के नजदीकी जंगलों में बंकर नुमा ढांचा बनाकर छिपाए गए विस्फोटक और उससे संबंधित सामग्री बरामद बुधवार की देर शाम की गई है। वहीं प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना प्रभारी प्रदीप प्रणव और एसआई अभिनव कुमार सूरज कुमार ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि विगत 2 मार्च को पुलिस अधीक्षक गुमला को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के उग्रवादियों द्वारा घाघरा थाना क्षेत्र के तेंदार डूमर पाट के नजदीकी जंगल क्षेत्रों में सुरक्षा बलों और पुलिस टीम को जान माल के नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से विस्फोटक तथा अन्य पदार्थ और सामग्री को छिपाया गया है। इस सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक गुमला के द्वारा एक टीम का गठन किया गया जिसमें सीआरपीएफ 218 के पदाधिकारी और जवान गुरदरी थाना प्रभारी और जवान घाघरा थाना प्रभारी और जवान की टीम शामिल हुई। उपरोक्त टीम के द्वारा जांच पड़ताल करने पर भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ जिसमें 24 पीस जिलेटिन कोटेड सेफ्टी फ्यूज लाल और हरा रंग का अमोनियम नाइट्रेट 10 केजी बरामद हुआ है। गोपनीय तरीके से पूछताछ पर पता चला कि इन विस्फोटक पदार्थों को प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के सदस्य द्वारा कोई अप्रिय घटना को अंजाम देने के लिए छुपा कर रखा गया था। पुलिस अधीक्षक गुमला को गुप्त सूचना मिली थी कि तेंदार डूमर पाट क्षेत्र में जंगली पहाड़ी क्षेत्रों में भाकपा उग्रवादियों द्वारा यहीं पे बहुत सारा विस्फोटक छुपा के रखा गया है, जिसके आधार पे एक टीम का गठन करते हुए पुलिस अधीक्षक गुमला के द्वारा एक सर्च अभियान चलवाया गया जंगलों में, जहाँ पे जो सर्च ऑपरेशन के दौरान बहुत सारा जिलेटिन अमोनियम नाइट्रेट और कोडेक वायर वगैरह हम लोग को बरामद हुआ है। ठीक है, लगातार सर्च अभियान सभी जगह चलाया जा रहा है और लगातार छापामारी अभियान भी चलाया जा रहा है। नक्सल गतिविधियों को हर संभव प्रयास किया जा रहा है पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कि इसको रोका जाए और इस जिला को शांतिपूर्वक शांत रखने का। पुलिस अधीक्षक गुमला को मिली गुप्त सूचना के आधार पर घाघरा थाना क्षेत्र के दुर्गम जंगली क्षेत्र तेंदार और डूमरपाट क्षेत्र से मिली गुप्त सूचना के आधार पर छानबीन और सर्च अभियान चलाई गई, जिसमें दुर्गम जंगली क्षेत्र में सुरंगनुमा क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र में कुछ विस्फोटक पदार्थ प्राप्त हुए हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण हैं, जिसके द्वारा जान माल की क्षति और सुरक्षा बलों को खतरा है तो आसन थी, जिसको हम लोग सर्च अभियान और सीआरपीएफ एवं जिला बल के जवान की एक टीम गठित की थी, जिसके आधार पर इसे छापामारी और सर्च अभियान के द्वारा इसे प्राप्त की गई और इस पर आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, संगठन कौन से संगठन का है? इसमें सूचना के आधार पर माओवादी संगठन की सूचना दिया था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।